मैंने ना यहाँ पे फजूल बातें करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। हमजा प्लीज इतना खुद गर्ज मत बनो, अपने लिए ना सही प्लीज नवीन की खातिर उसे मना कर ले जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अपनी अमान में रखे। बस बहुत एहतियात करने की जरूरत है अब। अच्छा जी, जरा ख्याल नहीं करती हो अपना। दो हाँ जी समझ गई। अच्छा बाबर को तो बता दिया ना तुमने? अब तक तो नहीं बता। अरे नवीन बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो जान? हमें बुरा नहीं मानेगा, अपसेट है थोड़ी। है वो तुम्हें जानती हूँ, लेकिन ये बाबा को क्यों नहीं बताया तुमने? मुझे अंदाजा तो काफी अरसे से ही है, मैं बस कंफर्म होने का वेट कर रही थी। फिर वो नवीन के चक्कर में इतने परेशान थे, मुझे मुनासिब नहीं लगा बात करना। देखो बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, जिंदगी में जो खुशियां आती हैं ना, ये ताजा हवा के झोंके की तरह होती हैं। इन्हें जितने जल्दी शेयर कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। तुम्हें बाबर को फौरन बता देना चाहिए बेटा।